जी हाँ देवियों और सज्जनों, अगर आप भी 9 to 5 जॉब से परेशान हैं, अगर आपके भी दिमाग में स्ट्रेस कूट कूट के भरा है, तो जाइए बधाइयों का ट्रेलर देखिए, मज़ेदार ट्रेलर है। आयुष्मान खुराना की फिल्म के बारे में बात करूँ जिसका ट्रेलर अभी आया है, इसमें सानिया मल्होत्रा हैं, और भाई साहब अल्टीमेट वाला ट्रेलर, मतलब मैं खुश बहुत, ऐसा वाकई लग रहा है कि महीनों के बाद बॉस की इतनी मीटिंग्स के बाद, डांट के बाद, आज हंसने का मन कर रहा है, खुश होने का मन कर रहा है, क्योंकि एक बार फिर से लगता है कि बॉलीवुड में एक बहुत ज़बरदस्त फिल्म आने वाली है। लो बजट फिल्म है लेकिन एक ऐसी फिल्म है जिसकी चर्चा हर जुबान पर होने वाली है। फिल्म का नाम है बधाई हो, ज़बरदस्त से जाके आप देखिए इस ट्रेलर को। लेकिन फिलहाल हम आपको बताते हैं इसका रिएक्शन कैसा है। पेट पकड़ पकड़ के फंसी है हमारी टीम, मज़ा आ गया भाई। कुछ दिनों पहले सानिया मल्होत्रा ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप सभी आयुष्मान खुराना को बधाई दो, उनके पास कोई खुशखबरी है। इस ट्वीट के बाद सभी कंफ्यूज थे कि आयुष्मान खुराना के पास ऐसी क्या खबर है, और इसके बाद लगातार सभी स्टार्स उन्हें बधाई दे रहे थे, जिसके बाद आयुष्मान खुराना परेशान हो गए थे। उन्होंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया था और ट्विटर पर लिखा था कि मुझे बधाई देना बंद करो, परेशान हो गया हूँ। अब समझ में आया है कि सानिया मल्होत्रा क्या कहना चाह रही थी। एक्चुअली वो अपनी फिल्म का प्रचार कर रहे थे, जो हमें उस वक्त समझ में नहीं आया या किसी भी स्टार को समझ में नहीं आया। और अगर फिल्म के ट्रेलर की बात करूँ तो बेहतरीन है, और लंबे समय बाद ऐसी हंसी मुझे ट्रेलर देखकर आई है। ट्रेलर देखा, ज़बरदस्त, शानदार और बहुत ही एंटरटेनिंग है। आयुष्मान खुराना की पहले भी इस तरह की फिल्में देख चुके हैं। इनफैक्ट मैंने ये ट्रेलर देखकर एक बार फिर से विक्की डोनर का ट्रेलर ढूंढ के वो देखा कि वो इतना एंटरटेनिंग था या नहीं, ये उससे भी ज़्यादा एंटरटेनिंग है। और ख़ास बात ये कि इसमें जो कलाकार हैं वो सारे मंझे हुए हैं, और बेहतरीन स्टोरी है। अब देखना ये है कि इसके अंदर के डायलॉग भी, जैसे ट्रेलर में कई बार ऐसा होता है कि ट्रेलर जो होता है ना वो सारा निचोड़ के वही बना देते हैं, लेकिन बहुत ही कम उम्मीद ऐसी है कि ऐसा होगा। ये फिल्म पूरी पूरी की पूरी एंटरटेनमेंट से भरी होगी, और जो कलाकार हैं वो बहुत ही शानदार हैं इसमें, और डायलॉग्स अच्छे हैं अभी तक जो देखा है। कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त फिल्म है, एंटरटेनिंग है। 19 अक्टूबर का इंतज़ार है। काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेलर है, बल्कि मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रेलर है। और जिस तरह की, मतलब आयुष्मान जिस तरह की फिल्में चूज़ कर रहे हैं, काफ़ी मज़ेदार लगती हैं। इस बार ये जो नई फिल्म आई है बधाई हो, इसका एक तो कॉन्सेप्ट भी बहुत अलग है, और जो ओवरऑल पिक्चराइजेशन है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है। तो जिस तरह की आजकल मूवीज़ बन रही है, जो कहते हैं स्लाइस ऑफ लाइफ लेकर आती हैं, एक के बाद एक मूवीज़ आ रही हैं, तो काफ़ी, मतलब एक सिनेमा का जो ओवरऑल वो चेहरा है वो चेंज होता हुआ लग रहा है। हल्की फुल्की मूवीज़ विद स्पेशल सोशल मैसेज, और ख़ास बात ये होती है कि सिर्फ आपका हीरो या हीरोइन ही उसमें लीड में नहीं है, हर एक कैरेक्टर का अपना इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे फिर वो जो फादर बने हैं उनका हो, या जो मदर है उनका हो, दादी हो, या फिर भाई है, सबका मतलब अपना एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, इम्पॉर्टेंट रोल है, सिर्फ हीरो हीरोइन ही नहीं प्रोमिनेंट है उसके अंदर। तो इसको देख के बड़ा अच्छा लगता है, एक हल्की फुल्की सी मूवी जो ऐसा लगता है कि हमारे बीच में से निकल कर गई है। और क्या बोलते हैं, उसका ट्रीटमेंट, डायलॉग्स, अब देखना होगा कि भाई जिस तरह से एक ट्रेलर, क्योंकि 1.5-2 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट का होता है, तो उसके अंदर आपके जितनी पूरी मूवीज़ के अच्छे डायलॉग्स हैं आप उसमें डाल देते हैं। तो अब देखना होगा कि फिल्म भी में भी इलेबोरेटेड फॉर्म में वो डायलॉग्स किस तरह से दिखाए गए हैं। नीना गुप्ता को इतने लंबे टाइम के बाद देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बधाई हो का ट्रेलर देखा, बहुत ही मज़ेदार लगा, मतलब काफ़ी दिनों बाद चेहरे पर मुस्कान आई इस ट्रेलर को देख के, इतना अच्छा ट्रेलर है। और मतलब जो स्टोरी है वो काफ़ी डिफरेंट और यूनिक कंसेप्ट पर बेस्ड है। आयुष्मान खुराना तो हमेशा से ही अपने नए नए किरदार से सबको चौंकाते रहते हैं और अपने फैंस का दिल जीतते रहते हैं, और वही इस फिल्म में जो नीना गुप्ता है उनका रोल भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं तो फिल्म देखने ज़रूर जाऊँगी। फिलहाल मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने इस फिल्म का ट्रेलर बहुत इन्जॉय किया। बधाइयों का ट्रेलर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। आयुष्मान खुराना हमेशा कुछ नया करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और नए सब्जेक्ट्स उठाते हैं। हमने पहले देखा है विक्की डोनर, फिर शुभ मंगल सावधान, दम लगा के हईशा, तो ये सारी फिल्में लीक से हटके होती हैं और कुछ ऐसे सब कॉन्सेप्ट्स पे होती है जो शायद कोई मेन स्ट्रीम एक्टर शायद उन सब्जेक्ट्स या कॉन्सेप्ट्स को उठाए ना, और एक फ़नी अंदाज में पेश करते हैं, एक सोशल इविल भी कह सकते हैं, और समाज की जो एक दूसरा जो चेहरा होता है जिसे लोग टबू करके छुपाते हैं, उनको वो बहुत अच्छी तरीके से उनकी फिल्मों में हमने बहुत देखा है। तो वैसा ही कुछ था बधाई हो का ट्रेलर, और कैरेक्टर्स जितने भी हैं बहुत स्ट्रांग हैं, सबका एक्टिंग सबकी अच्छी है। जो वेस्टर्न यूपी का एक जो कल्चर लेकर के आजकल फिल्म्स बन रही हैं, पहले बरेली की बर्फी देखी थी, फिर ये अब बधाई हो बधाई, तो ये जो टच आता है वेस्टर्न यूपी की, जो एक अलग अंदाज में जो बोली की स्टाइल है, वो सब देखने में भी बड़ा मज़ेदार लगता है। तो उम्मीद करेंगे कि फिल्म जो है ट्रेलर जितनी ही बेहतर हो,
ये मूवी का ट्रेलर जो मैंने देखा वो बहुत ही अमेजिंग है, और हर अब लग रहा है कि नए जॉनर्स की मूवी आ रही है, बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं कि अब नीना गुप्ता को दिखाया गया है कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो मज़ा आ रहा है। कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है सबकी, और आयुष्मान खुराना एज एन एक्टर बहुत अच्छे हैं। तो ओवरऑल जो जितने कैरेक्टर्स को लिया गया है, वो जो दादी का रोल प्ले कर रही है वो बहुत फेमस है, टीवी इंडस्ट्री में बहुत फेमस नाम है उनका, क्योंकि वो भी एक्टिंग मतलब एज एन एक्ट्रेस बहुत अच्छी हैं। तो ओवरऑल स्टार कास्ट बहुत अच्छा है, और ट्रेलर देख के लग रहा है कि मूवी देखने लायक होगी, तो बिल्कुल जाऊँगी मैं ये मूवी देखने। बधाई हो का, ट्रेलर बहुत शानदार है, बहुत इंटरटेनिंग मूवी लग रही है। ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लग रहा है बहुत यूनिक स्टोरी है, एक सोशल एक समाज को संदेश भी जा रहा है, मतलब स्टोरी ऐसी है कि आप लोग देखेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत यूनिक स्टोरी है। उसमें आयुष्मान खुराना एक नए अंदाज़ में दिखाई दे रहे हैं, उनकी जो एक्टिंग है वो वाकई बहुत अच्छी है, और इस स्टोरी में वो बेहद अलग तरीके से नज़र आए हैं। देखा ना कैसी कैसी हंसी आ रही थी लोगों को, मतलब जो सीरियस एंकर है हमारे यहाँ पे वो भी हंस रहे थे मुंह दबा दबा के। बहरहाल जब आप इस ट्रेलर को देख लें तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और आपको क्या लगता है ये फिल्म कितना कमाल करने वाली है, इस बारे में हम डिस्कशन ज़रूर करेंगे कमेंट सेक्शन में आके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बधाई हो।